नमस्कार। बिहार में नौवीं बार फिर नीतीश कुमार। नीतीश की यह नौवीं पलटी है और भारत में उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया, सबसे ज्यादा बार चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने का। जिस नीतीश कुमार ने यह कहा था कि मर जाना कबूल है, इनके साथ जाना नहीं कबूल है, जिस नीतीश कुमार ने अभी कुछ ही दिन पहले सिब्बल के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र किया था और बरखा दत्त और सिब्बल के साथ मिलकर के बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, उस नीतीश कुमार की पलटी। लेकिन क्यों, कितनी खतरनाक साजिश बिहार में होनी थी जिससे नीतीश कुमार को पलटी मारने को लाचार कर शाह ने बिहार को ही नहीं देश को बचाया है, यह समझना है। कुछ दिन पहले सिब्बल के साथ, उसकी बरखा के साथ मिलकर के जिस नीतीश कुमार ने इतना बड़ा जहर उगला था, उस नीतीश कुमार की पलटी के मायने आपको समझ में आए। नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, किन किन के साथ बैठ करके बोल रहे हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह खतरनाक यह है कि इस नीतीश कुमार को जो लोग कहते हैं कि नीतीश के को साथ क्यों लिया, नीतीश ने बहुत कुछ कहा जो टेलीविजन चैनलों पे चल रहा है कि मर जाना कबूल है, इनके साथ जाना कबूल नहीं है। उसी नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव को कहा था कि अपने बाप से जाकर के पूछो कि क्या स्थिति थी, अपने बाप से पूछो कि हमने तुम्हारे बाप को कैसे बनाया। इसीलिए वक्त इस बात का नहीं है कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, उसे सुना और सुनाया जाए। महत्वपूर्ण यह है कि यह नीतीश कुमार जब दंगाइयों के साथ, भारत द्रोहियों के साथ खड़ा हो जाता है, यह नीतीश कुमार जब जंगल राज के साथ खड़ा हो जाता है तो जंगल राज को ताकत देता है। देखिए, जिहादी खतरनाक नहीं है, जिहादियों के साथ खड़े हुए सो कॉल्ड जो सनातनी हैं वो वामपंथी ज्यादा खतरनाक हैं। आज देखिए, पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। यदि इतनी ताकत है, जो कहते थे कि हम तो फलाना चीज का गधे का मांस खाते हैं तो हम ज्यादा ताकतवर हैं, और ये घास फूस खाने वाले हिंदू कैसे ताकतवर हो सकते हैं, जो पाकिस्तान इस कदर बात करता था, और यहां उस पाकिस्तान के जहरीले बयान पर यहां छतरी लगाने वाले जो लोग थे उसे जस्टिफाई करते थे, आज वो पाकिस्तान भिखारी बना है। यदि उन पठान फिल्म बना करके महिमा मंडन करके जो है शाहरुख खान वहां जाकर के कूदता था, इतनी ताकत पठानों में होती है तो आज पाकिस्तान भीख क्यों मांग रहा है। इसीलिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपका दुश्मन, आप दुश्मन के साथ जब अपने खड़े हो जाते हैं वो ज्यादा खतरनाक होता है। बहुत गंभीरता से पॉइंट को समझिएगा। खतरनाक वो राक्षस नहीं है, खतरनाक जंगल राज नहीं है, खतरनाक लालू यादव नहीं है। लालू के साथ जब नीतीश खड़े हो जाते हैं तो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण था फिर से नीतीश को साइड करना। क्यों, जानकारी के मुताबिक हेमंत शर्मा विश्व शर्मा से हताश, पूरा इस न्याय यात्रा को बिहार में बड़ा कांड करना था, और इसका सरगना जो है वो आंदोलनजीवी जो हर अवसर पर एजेंडा चलाता है उसको नाथना था। प्रधानमंत्री मोदी, मैं बार बार कहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी का जितना अपमान नीतीश कुमार ने किया है उतना किसी भी नहीं किया है। यदि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ व्यक्तिगत बदले के भाव से यदि होते तो हम और आप सामान्य आदमी यही करता है कि इस आदमी ने मेरे साथ अपमान किया है, इसको छोड़ेंगे नहीं। मोदी को व्यक्तिगत अपमान की चिंता नहीं है, मोदी को भारत के अपमान की चिंता है, और मोदी को बिहार को बचाने की चिंता है। इसलिए क्योंकि बिहार इसी देश का हिस्सा है, इग्नोर नहीं किया जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता कि जो लोग गटर में रहना चाहते हैं उसे गटर में रहने दो, जो नरसिंह राव ने किया था। नरसिंह राव ने कहा था कि भाई जो गटर में रहना चाहता है उसकी चिंता क्यों करते हो।
मोदी ने उसकी भी चिंता की जो गटर में रहना चाहता है। सबसे पहले तमाम चीजें उज्ज्वला योजनाएं से लेकर के अब जो इज्जत घर है वो उनको ही दिया, जिसको नरसिंह राव कहते थे कि गटर में रहना चाहते थे। तो जब मोदी ने ऐसे सनातन द्रोही भारत द्रोहियों के साथ किया तो फिर बिहारियों को कैसे छोड़ सकते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी का जो ट्वीट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तब आप समझिएगा कि बिहार में कितनी बड़ी साजिश थी जिससे मोदी और शाह ने इस देश को बचाया है। प्रधानमंत्री ने आज एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को सीधे सिंपली लोगों ने ऐसे पढ़ दिया है, उसके एक एक लाइन को समझने की जरूरत है। उन्होंने नीतीश कुमार को बधाई दी है, लेकिन समझिएगा क्या चाहा है उन्होंने। शपथ ग्रहण के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का के ट्विटर हैंडल से एक्स पर उन्होंने जो लिखा है कि बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। टैग किया नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। अब की बार नीतीश कुमार का चेला सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं है, पहचानिएगा दोनों डिप्टी सीएम कौन है। दो कंधे पर बैठाए गए हैं और दोनों वो हैं जो नीतीश कुमार का खून पी लेंगे। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी का बेटा, शकुनी चौधरी जो लालू यादव का एक बड़ा सिपह सालार हुआ करते थे, शकुनी चौधरी उनका बेटा सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बहुत बड़े बागी हो चुके हुए थे और उसके बाद वो नीतीश कुमार के खिलाफ भी ताल ठोक रहे थे। आज भी सम्राट चौधरी का बहुत बॉडी लैंग्वेज जो है नीतीश के फेवर में बहुत अच्छा नहीं था, ना ही विजय कुमार सिन्हा जी का बॉडी लैंग्वेज ऐसा था। अब इन दोनों के साथ वो चीजें नहीं नीतीश कुमार कर पाएंगे जो हर वो चीज सुशील मोदी के साथ कर लेते थे। सुशील मोदी कहीं से भी कभी बीजेपी के लगे ही नहीं, ऐसा लगा कि वो बिल्कुल नीतीश कुमार के चेला नंबर वन है। हो सकता है ऊपर से आदेश उस समय के दौर अलग रहे हो। मुझे विश्वास है, आगे पीएम लिखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बिहारियों के लिए, मुझे विश्वास है यह टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। बहुत भावुक करने वाला संदेश है। जो परिवारजन वो कहते हैं ना, तो कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि यह पूरी टीम समर्पण भाव से, समर्पण शब्द यूज कर रहे हैं जो खुद वो अपने लिए लाते हैं, मेरे परिवारजनों की सेवा करेंगे। मेरे परिवारजन मतलब उन्होंने बिहारियों के लिए कहा है कि भले ही जातिवाद में बढ़ते हो लेकिन मेरे परिवार जन क्यों ना कहें। 40 में 39 सीट बिहार ने दिया है, बिहार जैसा जातिवाद राज्य में 40 में से 39, और जो एक सीट कांग्रेस को मिली है वो एकदम से कौन सा किशनगंज का सीट है जो कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा संख्या में, वायनाड से भी ज्यादा संख्या में है वो, तो वहां से मिला है। अब उसे भी छीनने की प्लानिंग है कि वो भी कांग्रेस से कैसे छीन लिया। वहां सोचिए कि वहां की मानसिकता कैसे, उस किशनगंज से एआईएमआई को 5-5 विधायक मिल गए थे उस किशनगंज से, तो आप सोच सकते हैं कि वो किशनगंज क्या हो चुका हुआ है। अब पॉइंट पे आइएगा, दरअसल इस यात्रा को जहां जहां से निकलना है वो महत्वपूर्ण है। अब तब आपको धीरे धीरे चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये बात कही और उसके बाद जो शपथ ग्रहण हुआ है, जिस तीन चेहरे को लेकर के मैं आपको कहता हूं, ये तीन चेहरा सामान्य नहीं है। मतलब अब की बार नीतीश कुमार के लिए उतना आसान नहीं होगा कि वो, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सुशील मोदी के दौर वाला आसान नहीं होगा। अब की बार नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी और शाह के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये जो दो चेहरे हैं ना, जो दो बैताल उनके ऊपर बैठा दिए गए हैं, ये नीतीश कुमार को फरफराने नहीं देंगे, जातिवादी एजेंडा चलाने नहीं देंगे, उनके पेट के दांत को थोड़ा ठीक कर देंगे। अब चीजें इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि हर स्थिति में अभी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति थी कि इनकी बेचैनी बढ़ा रही थी। दरअसल ये जो कांग्रेस का जो ये न्याय यात्रा है उसको हेमंत बिश्व शर्मा के माध्यम से ये बदनाम करना चाह रहे थे। हेमंत बिश्व शर्मा ने इनका कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप सबको पता है वहां क्या कुछ हुआ। अब ये न्याय यात्रा फिर से शुरू हो गया है, लेकिन हताशा देखिए खड़गे की। ये तो पीएम बन रहा था, इसकी हताशा देखिए न्याय यात्रा शुरू होने पर ये क्या क्या फर्जी आरोप लगा रहे हैं साहब। मुझे गुलबर्गे में निकलने में थोड़ी देरी इसलिए हुई
आजकल उड़ने के लिए भी मोदी जी के पास परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद उतरने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है और हेलीकॉप्टर उतरने के लिए भी, तो चार परमिशन हो गए। एक तो अब ये हताशा का बता रहा है बयान, ये खड़गे साहब की हताशा बता रहा है कि इनको परमिशन क्या क्या लेना पड़ता है। ये परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन इस पूरे खेल के पीछे का असली खेल क्या है? इस खेल के पीछे की असली खेल ये है कि बिहार में एक बड़ी साजिश की तैयारी थी। बिहार में आसानी से आप जातिवाद में बिहार को जलाइए, चूंकि जातिगत सर्वे हुआ था वहां, और तुष्टीकरण और इन तमाम चीजों को लेकर के वहां एक बड़े खेल की तैयारी कीजिए। जातिगत सर्वे ने सनातन समाज को तोड़ने की एक बड़ी साजिश नीतीश और लालू ने मिलकर की थी। नीतीश तो बहुत जहर उगल रहे थे। नीतीश ऐसा नहीं किसी नैतिकता के साथ यहां आए हैं, नीतीश को पूरी तरह से लालू की पार्टी निगल रही थी, इसीलिए आए हैं। और यही मतलब है कि मजबूरी की ये दोस्ती, किसके बिना, नीतीश के बिना सरकार आप बना नहीं सकते, और सरकार नहीं यदि बनाते तो फसाद होता। मैं क्यों कह रहा हूं जरा देखिए, ये दिल्ली से लेकर के बिहार तक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। ममता बनर्जी ये कांड इनको करने नहीं देती, ममता बनर्जी अपने स्टेट में कुछ भी नहीं होने देती। इन्हें पता था कि ममता लठ बरसाएगी तो ममता के स्टेट से चुपचाप निकलना था, लेकिन बिहार में बड़ा कांड करना था, और साथ साथ नेशनल कैपिटल के आसपास जो सो कॉल्ड किसान और खालिस्तानी गुंडों के माध्यम से खेल करना था। अब आप देखिए कि किस तरह से सनसनीबाजों को ठेका दिया गया कि आप एकदम से प्रोवोक करने वाले वीडियो बनाओ, और इस तरह से प्रोवोक करने का वीडियो बना कि ईडी ईवीएम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के वकील, इन वकीलों को जोड़ा गया कि ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, उसके बाद किसानों को जोड़ा जा रहा है, इस चीज के बाद किसानों ने फिर खोला मोर्चा, दिल्ली कूच करेंगे, इस सब की तैयारी थी। इन सब के पीछे आंदोलन जीवी की भूमिका थी। आप इस आंदोलन जीवी को देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा में है, अभी मैं न्याय यात्रा पर आऊंगा, ये भारत जोड़ो यात्रा में है, और ये जो आंदोलन जीवी है, और ये प्रशांत भूषण ये आंदोलन जीवी, मैं लगातार क्यों कहता रहा हूं कि ये पूरा जो अन्ना आंदोलन था वो क्रिएट किया हुआ था, बीजेपी को रोकने के लिए ये अन्ना आंदोलन क्रिएट किया हुआ था, और इसका असली मास्टरमाइंड आंदोलन जीवी और ये प्रशांत भूषण था। पूरे अन्ना आंदोलन का मास्टरमाइंड था प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, ये दोनों छोड़ करके इसलिए भागा क्योंकि इसका काम हो गया था बीजेपी को रोकने की प्लानिंग थी, वरना कांग्रेस के खिलाफ सोनिया के चेले क्यों आंदोलन करते? ये योगेंद्र यादव जो जी हमेशा सोनिया की किचन कैबिनेट का मेंबर रहा, जो हमेशा कांग्रेस परिवार का दरबारी रहा, वो कुछ दिनों के लिए केजरी के साथ क्यों जुड़ा था? ये महत्वपूर्ण है, इसलिए कि योगेंद्र यादव के माध्यम से ही अब अंतिम जो ये कहता था कि मैं पिच तैयार करता हूं और मेरा काम पिच तैयार करना है, मेरा काम खेलना नहीं है, तो उस योगेंद्र यादव की तैयारी क्या थी? दरअसल इस योगेंद्र यादव की तैयारी, योगेंद्र यादव का अपना जातिगत जो कहता है कि मैं सलीम यादव हूं, तो MY समीकरण के माध्यम से बिहार में ठेका इस आंदोलन जीवियों को था कि बिहार में जातिगत संघर्ष करा देना है, बिहार में जातिगत संघर्ष करा देना है, दंगा करा देना है, एकदम से अपर कास्ट के खिलाफ, यूं कहिए कि बीजेपी के वोटरों के खिलाफ, और ये पूरी तरह से MY एजेंडे के तहत ये खेल करना, ये जातिवादी युद्ध करा देना। नीतीश कुमार को इसके इससे बहुत फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि नीतीश को लगना चाहिए, नीतीश को सिर्फ कुर्सी से मतलब है और किसी चीज से कोई मतलब, लेकिन नीतीश जरूरत है, नीतीश के बिना वहां पर सरकार आप हटा नहीं सकते थे। और ऐसे कंडीशन में भी जब लालू का पूरा कुनवा जेल जाने वाला हो, उस कंडीशन में भी आप लालू का कुछ नहीं कर पाते, यदि बिहार में जाति, अब खेल क्या है कि बिहार में जो ही लालू यादव को आप अरेस्ट करेंगे, तेजस्वी यादव को अरेस्ट करेंगे, राबड़ी देवी को अरेस्ट करेंगे, वहां जाति युद्ध करा देना है। और ठीक उसी समय में टाइमिंग हो रही थी कि ठीक उसी समय में बिहार में ही यात्रा निकलती, तब आप जरा सा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आंदोलन जीवी भारत जोड़ो यात्रा का स्क्रिप्ट राइटर था, भारत न्याय यात्रा का भी यही स्क्रिप्ट राइटर था।
ये क्या सब कुछ यूं ही हो रहा था? क्या ये आंदोलन जीवी यूं ही वहां दिखाई दे रहा था आपको? जरा सा इस आंदोलन जीवी को देखिए, हम लोगों ने आपको पीछे भी दिखाया था, इस आंदोलन जीवी को देखिए। इस आंदोलन जीवी का जो यदि अन्ना का चेला था, यदि केजरी गैंग में था, तो कुछ ही दिनों में केजरी गैंग में रह करके मैदान क्यों भागा? क्योंकि ये गया ही था केजरी गैंग में इसलिए ताकि एब्जॉर्ब कर सके जो कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है, उसको एब्जॉर्ब कर सके और वो किसी केजरीवाल को समर्पित कर दे। जब केजरीवाल की सरकार बन गई, उसे तो यहां रहना नहीं था आंदोलन जीवियों को, इसीलिए सब मैदान छोड़ करके भाग गए। अब ये पूरे आंदोलन में ये सबसे खतरनाक व्यक्ति घूम रहा है। और मैंने चार दिन पहले एक वीडियो विश्लेषण 3 दिन पहले किया है, मैंने योगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से आग्रह हमारा था कि 5 लोगों की गिरफ्तारी इस देश में बहुत जरूरी है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो बहुत खतरनाक खेल खेल सकते हैं। हो सकता है गृह मंत्रालय इससे ज्यादा सजग हो और इनकी रीढ़ तोड़ रही हो। ये राहुल गांधी मैदान छोड़ करके क्यों भागा? ये चूंकि 24 तारीख को 26 जनवरी से पहले ही ममता बनर्जी ने कह दिया कि एक भी सीट मैं तुम्हें नहीं दूंगी, कांग्रेस के साथ मेरा कोई गठबंधन नहीं होगा, रीढ़ वही टूट गई। ये ममता बनर्जी से नहीं टकरा सकते थे, ममता बनर्जी बागी हो जाएगी तो वहां से चुपचाप इन सबको निकल जाना था। बिहार में घुसते ही ईडी का वारंट था। 7 फरवरी को दिल्ली के स्पेशल कोर्ट में लालू यादव को वारंट है, उससे पहले 29 और 30 को लालू और तेजस्वी को वारंट है। यह वारंट ईडी की तरफ से है, ईडी इसमें गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन यदि 7 फरवरी को लालू नहीं पेश होते हैं, पूरे परिवार को हो सकता है कि गिरफ्तारी हो जाए और उस समय यात्रा पूरी तरह से बिहार में होती। तो यदि सोचिए डिप्टी सीएम को यदि गिरफ्तार किया जाए बिहार का, लालू प्रसाद यादव को यदि गिरफ्तार किया जाएगा, तो बड़ी आसानी से बिहार में दंगा कराया जा सकता था और दंगा आपकी बार जातीय दंगा होता, मतलब ये पूरी तरह से जाति जंगल राज वाला दंगा होता और ये दंगा बिहार में ही नहीं पूरे भारत को एक जातीय युद्ध में बांट देता कि ये सरकार जो है ये पिछड़ों के खिलाफ है, ये दलितों के खिलाफ है, ऐसा जहर चलाया था। और उसका नैरेटिव ये योगेंद्र यादव समेत ये जो यूट्यूबर जो सनसनीबाजों का गैंग है, जो पारा पाड़ी गैंग है, इन पाराओं को ठेका दे दिया गया था कि किसान आंदोलन के लिए प्रमोट करो, और ये पूरी तरह से ठेका बिहार में इस बात को लेकर के था कि बिहार में जातीय दंगा होगा, बिहार जलेगा और उसके बाद दिल्ली में बैठे जितने यूट्यूबर जो खलियर खैराती हैं, उन सबको ये धंधा दे दिया गया था कि तुम इस जहर इस आग में घी डालने का काम करना। इसीलिए इन सनसनीबाजों को ये जिम्मेदारी दी गई कि खालिस्तानी गुंडों को प्रवोक करो और दिल्ली में उनको जल्दी से जल्दी बुलाओ। आप इसीलिए देखेंगे इन पाराओं को कि पूरा अलग ढंग का नैरेटिव गढ़ रहा है, तभी आप देखेंगे किस तरह से खेल रहा है। अब यहां पतित पावन सीताराम हो रहा है और यहां पर भी आंदोलन जीवी बैठा हुआ है। तो एक बड़ी साजिश बिहार में बंगाल से चुपके चुपके निकल जाना था, बंगाल में कोई भी उत्पात नहीं मचाना था, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत जबरदस्त ठुकाई करती और ममता बनर्जी के यदि बंगाल में उत्पात करते तो तुष्टीकरण का वोट इनके हाथ से निकल जाता। इसीलिए इनका उद्देश्य यह कि बंगाल में चुपचाप निकल जाना है, बंगाल में कोई उत्पात नहीं करना। देखिएगा बंगाल में कोई उत्पात नहीं करना है, ये फिर से बंगाल में पहुंच चुके हुए हैं, जलपाईगुड़ी से इनकी यात्रा शुरू हो चुकी हुई है, ये बंगाल में कुछ नहीं करेंगे, बंगाल में चुपचाप ममता बनर्जी, वरना इस ठंड में ममता बनर्जी लाले लाल कर देगी इन आंदोलन जीवियों को और इन सबको पूरा वामपंथी एजेंडा का जो है वो काट निकालेंगी। इसीलिए ममता बनर्जी ने झाड़ पे चढ़ाया लालू राहुल गांधी को अपमानित करते हुए, काट काट के गोरे खड़गे को कहा कि तुम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो। ममता जानती थी कि खड़गे को तो खड़ा होने की हैसियत नहीं है राहुल गांधी के सामने में, इसीलिए कुछ ऐसा होगा नहीं। ममता ने पूरी तरह से इस एनडी गैंग को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, ये इसके पीछे पूरी भूमिका ममता बनर्जी की है। ममता ने ना सिर्फ राहुल गांधी को अपमानित किया, नीतीश कुमार को भी अपमानित किया। नीतीश कुमार फरफरा रहे थे कि हम तो बस प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, नीतीश कुमार की पूरी फरफराहट रोक दी। अब नीतीश कुमार कहीं के कायदे से नहीं रह गए, धोबी का कुकुर टाइप स्थिति इनकी हो गई है, यहां पर भी अब ज्यादा फड़फड़ा नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था जो मैंने शुरुआत में कहा, जहां से वहीं से जोड़ रहा हूं, नीतीश कुमार का लालू यादव के साथ जुड़ना खतरनाक हो जाता है।
जब जब नीतीश लालू के साथ जुड़ते हैं बिहार को बर्बादी के अंधकार में ले जाते हैं। और बिहार को बर्बादी के अंधकार में जाने का मतलब है भारत को बर्बादी की तरफ जाना। अब कल्पना कीजिए बिहार में यदि जातीय युद्ध हो जाता इस एजेंडे में, जो ही लालू यादव तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती ये जातीय उन्माद होता। सरकार उनकी है तो सरकार के संरक्षण में रेलवे को जलाया जाता। क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, मैं बार बार कह रहा हूं, अग्निवीर का विरोध पूरे देश में कई जगह हुआ लेकिन रेलवे की संपत्ति सिर्फ बिहार में जलाई गई। नीतीश कुमार उस समय मुखिया थे बिहार के, और नीतीश कुमार के रहते हुए वहां पर अग्निवीरों ने, अग्निवीर के विरोध में एक पार्टी, कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बिहार में करोड़ों की रेलवे की संपत्ति जला दी। क्यों, क्योंकि नीतीश कुमार उस समय पाला बदलने के मूड में आ चुके हुए थे। नीतीश कुमार की पुलिस ने एक तरह से संरक्षण उस समय दिया, वरना ऐसा कैसे हो सकता है राज्य सरकार के बिना संरक्षण के इस तरह से रेलवे की संपत्ति नहीं जलाई जा सकती है। तो आप कल्पना कीजिए यदि लालू यादव तेजस्वी यादव राबड़ी देवी की गिरफ्तारी होगी तो बिहार में यदि सरकार रहती तो क्या होता। उस समय इस राहुल गांधी की यात्रा होती और पूरी प्लानिंग बिहार को जातीय युद्ध में डालने का था। चुनाव से ठीक पहले यदि बिहार जातीय युद्ध में चला जाता, जातीय संघर्ष में चला जाता, 24 का चुनाव होना है और जातीय संघर्ष शुरू होता तो पूरा राम मंदिर से लेकर के जो सनातन एकदम समर्पित हुआ था उसमें कहीं ना कहीं चोट पहुंचता। इसीलिए ये बड़ी बिग प्लानिंग पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। लालू यादव घर में घुस गए हैं। लालू यादव सोचिए, लालू यादव का एक तस्वीर भी लालू का सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया लालू यादव, इतनी बड़ी घटना हो गई, बरबोला उत्पाती लालू यादव जो हर जगह जहर उगलते हैं, जातिवाद का जहर उगलते हैं, प्रवोक करते हैं, वो लालू यादव की तस्वीर भी सामने नहीं आई है, लालू यादव का एक ट्वीट भी सामने नहीं आया। क्यों, इसलिए कि लालू यदि कैमरे के सामने आएंगे तो उन्हें ईडी के सामने पेश होना होगा, उन्हें ईडी के सामने पेश होने से बचना है, उन्हें कोर्ट में ना पेश होने का बहाना चाहिए, इसीलिए वो कैमरे के सामने नहीं आए। अब बिहार में उनकी सरकार नहीं है और बिहार में अब नीतीश कुमार उस रूप में भी नहीं है, इसीलिए अब बिहार में कोई गुंडा ही नहीं हो सकता। लालू यादव तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को ईडी उठा कर ले जाएगी, ये कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, ये फर्क है। तो जब उतावलेपन से बहुत सारे सो कॉल राष्ट्रवादी, सो कॉल सनातनी जब ये कहते हैं कि अमित शाह ने ये क्या कर लिया पलटू को, राष्ट्रहित में कई बार बैकफुट पे आकर खेलना पड़ता है, क्रिकेट में भी कई बार बैकफुट पे आकर खेलना पड़ता है। और नीतीश कुमार जैसे लोगों का अंत कैसा होना है ये नीतीश कुमार को पता है। नीतीश कुमार भाजपा में सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि वो सम्मानजनक एग्जिट चाहते हैं अपने पॉलिटिकल करियर का, और ये मैं दसियों बार कह चुका हूं, नीतीश कुमार को अब सम्मानजनक एग्जिट चाहिए। उन्हें पता है इस देश में राममय होने, मोदीमय होते देश में अब बगावत नहीं की जा सकती। जितने दिन वो गए उन्हें उस समय लगा कि वो अपनी पार्टी को बचा लेंगे, क्योंकि घेराबंदी तो थी, क्यों रामविलास पासवान के पुत्र ने हर उसी जगह पे फाइट किया जहां से नीतीश कुमार थे, तो नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश तो हुई है, नीतीश कुमार को छोड़ा तो नहीं जा रहा है। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार को नौवीं बार पलटी मरवा करके बिहार को बचाया गया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे परिवारजनों के लिए काम कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा। और इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है कि जातीय संघर्ष से नीतीश कुमार को पलटी मरवा करके, और क्या कहा गया, बार बार ये मैसेजिंग दी गई है कि नीतीश कुमार गिर गिरा करके यहां आए हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, सम्राट चौधरी ने क्या कहा, जेपी नड्डा ने क्या कहा, कि नीतीश कुमार ने संजय झा को भेजा हाथ जोड़ करके कि हमारे, हमें अपने साथ ले लीजिए। और ये पब्लिकली कहा गया तब जब नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया तब, मतलब देश को मैसेज दे दिया गया है कि नीतीश कुमार एक पैर पे खड़े होकर के लालू से हमें बचा लीजिए के लिए यहां आए। लालू उनकी पूरी पार्टी को निगल रहे थे। और सोचिए, कल्पना सिर्फ कर लीजिए यदि बिहार में जातीय संघर्ष हो जाता, जिस समय राहुल गांधी की यात्रा होती, ये ठगेंद्र यादव एंड गैंग बिहार में उत्पात मचाता, बिहार को ही नहीं देश को बचाया गया है। इस समय में जब जातीय आप
हिंदू मुस्लिम राइट से तो बचा लेंगे, लेकिन जब सनातनी आपस में ही लड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला था और गृह मंत्रालय को इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि बिहार में एक बड़ी साजिश होने वाली है। ईडी अपने स्टाइल में काम करती, राहुल गांधी का न्याय यात्रा बिहार में होता और बिहार को जलाया जाता, सरकार के संरक्षण में ऐसा होता। क्योंकि नीतीश, फिर समझिए, बार बार कह रहा हूं इस चीज को, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर से बिहार के, एनडीए की सरकार थी, रेलवे को जलाया गया अग्निवीर के नाम पर, देश में कहीं पर भी तो रेलवे नहीं जला, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक कहीं पर भी अग्निवीर के नाम पर कहीं जलाया तो नहीं गया, सिर्फ बिहार में क्यों जलाया गया? क्योंकि नीतीश कुमार को, पलटू राम को तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनानी थी और तेजस्वी यादव को यह दिखाना था लालू यादव को कि जब चाहोगे तब बिहार जला सकते हैं हम लोग, अपनी सरकार रहेगी, जब तुम्हारी गिरफ्तारी होगी तो हम लोग बिहार में आग लगा देंगे। वरना सरकार जिसकी हो, इतने दिनों तक रेलवे जलेगी? सरकार तेजस्वी यादव की होती, गिरफ्तार बाप बेटा होता, तो क्या आपको लगता इतनी आसानी से बिहार शांति से रह जाता? बिहार को बर्बाद होने से बचाया गया है और बिहार इस देश का हिस्सा है, इसीलिए समझिए पूरे देश को बर्बाद होने से बचाएगा। चुनाव से ठीक पहले बिहार में जो बहुत बड़ा फसाद होना था लालू और तेजस्वी के गिरफ्तारी के साथ, और ठीक उसी समय खेल होना था, उससे बचाया गया है। इसीलिए इस राममय होते देश में इन सबको इसी बात की चिंता थी। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना था, निशांत जी, कुछ नहीं करना था सुप्रीम कोर्ट को। ये देश बच गया है, अब ईडी की लठ बरसेगी और सबसे बड़ी बात कि सीबीआई, ईडी की स्पेशल कोर्ट जो है उसने वारंट जारी किया हुआ है, चार सीटेड हो चुके हैं, अब चार्ज फ्रेम होंगे कुछ दिनों के अंदर, उसके बाद जेल जाएगा पूरा कुनबा। और जिस दिन लालू का पूरा कुनबा बिहार में जेल चला जाएगा, आंख से एक एक पैसे निकाले जाएंगे, वहां से बिहार का डेवलपमेंट शुरू होगा। इसीलिए हम सबको बिहार की चिंता करनी है कि क्यों देश विकास के रास्ते पे जा रहा है, बिहार बर्बाद हो रहा है। नीतीश कुमार के हाथ पैर बांधने जरूरी थे ताकि वो फुदक फुदक कर लालू यादव के साथ नहीं जाए। जब भी वो लालू यादव के साथ जाते हैं तो फिर सिब्बल के साथ बैठेंगे, बरखा दत्त के साथ बैठेंगे, पाड़ापाड़ी के साथ बैठेंगे, देश तोड़कों के साथ बैठेंगे। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। नीतीश कुमार को बुरी संगत से बचाना बिहार को बर्बादी से बचाने के लिए है। मुझे लगता है कि जो भी लोग जहां तक ये बात पहुंचे उसे पहुंचाइए कि एक नैरेटिव जो गढ़ा गया था कि नहीं नीतीश कुमार को क्यों लिया जा रहा है, नीतीश मजबूरी है, उन्हें लिया जाना जरूरी है बिहार और देश दोनों को बचाने के लिए। 24 से पहले किसी ढंग का कोई दंगा फसाद ना हो, कोई जातीय द्रोह ना हो। इसीलिए एक बहुत बड़ी साजिश बिहार को जलाने की थी, इसको बार बार समझिए। अमित शाह और उनकी पूरी टीम ने, हमारी पूरी अज्ञात वीरों ने बिहार को, अज्ञात वीरों को धन्यवाद कीजिए जो दुनिया भर में कमाल कर रहे हैं, बिहार को भी उन्हीं की सूचना के आधार पर, सूचना थी कि बिहार में जातीय संघर्ष होना है, बिहार को बचाया गया है। तीन महीना, चार में, अगले दो महीने के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी और ये फुदक करके देश जलाने की साजिश होगी, उससे बचाया गया है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को बड़ी संख्या में लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बात दूर तक जाए ताकि उस नैरेटिव को समझा जा सके। ऋतिक जी कह रहे हैं कि आज का दिन राष्ट्रीय बर्नौल दिवस के रूप में याद किया जाएगा, इतना मोए मोए हुआ लिब्रांडुओं का, बौराए हुए हैं सब। और मेरा विश्लेषण एक सुनिएगा सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, आज जब डीवाई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री एक मंच पे थे, अभी खैराती इतने नर्वस हैं, अभी नीतीश कुमार के पाला बदलने से खैराती इतने पागल हैं कि वो अभी उस पे गए ही नहीं है कि चंद्रचूड़ साहब और प्रधानमंत्री मोदी एक मंच पे थे तो क्या नैरेटिव गढ़े। अभी तो पगलाना उनका इस रूप में बाकी है, खैरातियों का पूरा खेल हो गया है, भारत द्रोहियों का पूरा एजेंडा, हवा उन सबकी निकल गई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद, वंदे मातरम।